हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्केमिया डॉट इजी केम। आज हम देखने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ डायबेंजिलिडिन एसीटोन फ्रॉम बेंजालिहाइड, इट्स रिएक्शन, इट्स कैलकुलेशन, इट्स प्रोसीजर एंड हाउ टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल। माई सेल्फ प्रोफेसर जियाउल हक। आज हम बनाने जा रहे हैं डायबेंजिलिडिन एसीटोन। क्या बनाएंगे? डायबेंजिलिडिन एसीटोन। तो उसके रिएक्शन पहले देख लेते हैं। डायबेंजिलिडिन एसीटोन की आपको लेना रहेगा बेंजाल्डिहाइड, ठीक है? बेंजाल्डिहाइड में आपको ऐड करना रहेगा एसीटोन। क्या ऐड करेंगे? एसीटोन, ठीक है? और इस मिक्सचर को आपको ऐड करना रहेगा सॉल्यूशन ऑफ 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मिथेनॉल, सॉरी इथेनॉल, ठीक है? अब ये ऐड करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, फर्स्ट आपको 50% ऐड करने के साथ ही एक प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाला। इसका नाम है बेंजिल डीन एसीटोन। क्या नाम है? बेंजिलिडीन एसीटोन। सॉरी सॉरी सॉरी, ये रिएक्शन नहीं रहेगी, यहां आ जाएगा CH3, ठीक है? बेंजिलिडीन एसीटोन। तो आपका पहला जो प्रोडक्ट आने वाला है बेंजिलिडिन एसीटोन, तो साथ में प्रोसीजर समझ लो। प्रोसीजर क्या होगा? आप लेंगे मिक्सचर ऑफ बेंजाल्डिहाइड एंड एसीटोन, ये आपका रिएजेंट वन बन जाएगा। इसको आपको ऐड करना रहेगा मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मिथेनॉल में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका 10% है, मिथेनॉल आपका आप इंडस्ट्रियल स्प्रिट भी ले सकते हो, 100% प्योर भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मिथेनॉल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर आपका हो जाएगा नंबर टू। अब आप ऐड करेंगे 50% सॉल्यूशन इन मिथेनॉल सॉल्यूशन या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ऐड करने के बाद आपको बेंजिलिडिन एसीटोन मिल जाएगा, ठीक है? प्रोसीजर डिटेल में बाद में देखेंगे। पर इसके बाद क्या होगा कि जब 50% बचा है, उस 50% को आप ऐड करेंगे, रिमेनिंग सॉल्यूशन जो आपका बच जाएगा वो आप कहां ऐड करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिथेनॉल के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। जब ये ऐड करेंगे तब रिएक्शन इस कार्बन पे होगी। कौन से कार्बन पे होगी? रिमेनिंग जो आपका एक कार्बन बच गया, रिएक्शन वहां होगी। जब ये रिएक्शन होगी तो इसमें आपका चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? डायरेक्टली इस कार्बन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, यहां पर एक हाइड्रोजन बच गया है और यहां पर आपका लग जाएगा बेंजीन, ठीक है? तो ये बन गया डायबेंजिल। क्या बन गया? डायबेंजिल, डबल बॉन्ड है इसके लिए बेंजिलिडीन, डाइन हो जाते हैं डायबेंजिलिडीन एसीटोन। आपका सेंट्रल पॉइंट एसीटोन है। इसका एक और नाम है, इसका नाम है बेंजाल्डिहाइड से नाम बना डायबेंजल एसीटोन। क्या बना? डायबेंजल एसीटोन। अब हमारा बेंजाल्डिहाइड कितने मोल में यूज हुआ है? दो। तो रिएक्शन कितनी हो जाएगी? टू मोल हो जाएगी, है ना? 50% आपका एसीटोन के एक साइड में लगेगा, 50% आपका एसीटोन के दूसरे साइड में लगेगा, समझ गए? अब क्वांटिटी देख लेते हैं। तो क्वांटिटी आपकी है सिंपल, बेंजाल्डिहाइड आपको लेना रहेगा 2.5 ml, एसीटोन आप लेंगे 0.9 ml। इन दोनों को मिक्स करोगे तो आपका बन जाएगा मिक्सचर वन, ठीक है? 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको लेना रहेगा 25 ml और मिथेनॉल आप लोग लेने वाले हैं 20 ml। इन दोनों को मिला के आपका बन जाएगा मिक्सचर टू। आप उल्टा भी कर सकते हो, मिक्सचर वन इसको कह सकते हो, मिक्सचर टू इसको कह सकते हो, ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे? मिक्सचर वन ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 50%। किसमें ऐड करेंगे? मिक्सचर टू में। मिक्सचर वन किसमें ऐड करना है हमने को? मिक्सचर टू में ऐड करना है विथ कॉन्स्टेंट स्टरिंग, ठीक है? और एडिशन भी कैसा होना चाहिए? ड्रॉप वाइज, ठीक है? अब आपका ड्रॉप वाइज एडिशन होने के बाद कितना एडिशन होना चाहिए? सिर्फ 50%, ठीक है? ये एडिशन होने के बाद आपको यहां पर मिल जाएंगे फ्लॉक्यूल्स। क्या मिल जाएंगे? सॉरी, फ्लॉक्यूल्स नहीं मिलेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? कोलोइडल सॉल्यूशन आपको यहां मिलेगा, फ्लॉक्यूल्स नहीं मिलेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन आपको यहां पर मिलेगा, कोलोइडल सॉल्यूशन विद इन टू और
3 मिनट्स, क्या मिल जाएगा? कोलोइडल सॉल्यूशन 2 और 3 मिनट्स में मिलेगा। जैसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन आपका अचीव हो जाए, उसके बाद आपको कंटिन्यू स्टरिंग करनी है 15 मिनट के लिए, ठीक है? कंटिन्यू स्टरिंग विथ 15 मिनट। तो सिंपल ही याद रखना है कि आपका सॉल्यूशन 1 ऐड करना है सॉल्यूशन 2 में, ड्रॉप वाइज ऐड करके विद कंटिन्यूअस स्टरिंग 2 या 3 मिनट में आपका कोलोइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। 15 मिनट के लिए स्टरिंग कर दो, आपका रिएक्टेंट और रिएजेंट के रिएक्शन होने के बाद आपका 50% प्रोडक्ट आ जाएगा। डन। 50% प्रोडक्ट आने के बाद आप लोग क्या करना है फिर? द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 1 ऐड इन सॉल्यूशन 2, ठीक है? तो क्या करेंगे हम, जो 50% ऐड हो गया, रिमेनिंग 50% का ऐड कर देंगे, 50% ऐड कर देना है हमको विथ स्टरिंग, ठीक है? और ये सॉल्यूशन ऐड कैसा होगा? अगेन ड्रॉप वाइज। कैसे ऐड करना है? ड्रॉप वाइज। तो आपका ड्रॉप वाइज सॉल्यूशन ऐड होने के बाद अगेन आपको स्टरिंग करनी है, कितने मिनट के लिए? 30 मिनट्स के लिए आपको क्या करना है? स्टरिंग करनी है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है? किस पर करनी है? रूम टेम्परेचर। और एक चीज स्पेशल याद रखनी है कि ये पूरी रिएक्शन का जो टेम्परेचर कंडीशन रखी गई है वो है 22-25 डिग्री सी। कितनी है? 22-25 डिग्री सी। अब इसमें दो कंडीशन का प्रॉब्लम आता है, एक समर सीजन, दूसरा विंटर सीजन। हमारे विंटर सीजन में यहां पर अपना टेम्परेचर रहेगा 0 से 7 डिग्री सी, तो आपको यहां पर हीट करनी पड़ जाएगी, तो आपके हाथों में थोड़ा बहुत टेम्परेचर जो होगा उससे टेम्परेचर राइज हो सकता है। बट अगर समर सीजन आ जाए तो यहां टेम्परेचर कितना हो जाएगा? बिटवीन 30-45 डिग्री सी या मोर भी हो सकता है। उस टाइम पर आपको वाटर बाथ रखना पड़ेगा, और वाटर बाथ में भी आइस डालनी पड़ेगी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। टेम्परेचर क्या रहना चाहिए अपना? 20-25 डिग्री सी। अगर टेम्परेचर आपका मेंटेन नहीं हुआ तो प्रोडक्ट आपका नहीं आएगा, समझ गए? अब ये प्रोडक्ट आने के बाद यहां पर आपको क्या मिल गया? स्टरिंग करने के बाद आपको यहां पर येलो कलर का प्रोडक्ट मिलेगा, येलो कलर प्रोडक्ट। अगले स्टेप, प्रोडक्ट आने के बाद की स्टेप क्या रहेगी? फिल्टर, देन वॉश विथ कोल्ड वाटर, और लास्ट स्टेप आपकी आ जाती है रिक्रिस्टलाइजेशन, नीड पड़ी तो। अदरवाइज वॉश विथ कोल्ड वाटर में पूरे आयंस या फिर एसिटल्डिहाइड या फिर बेंजल्डिहाइड या फिर एसीटोन जो भी रहेगा बचा हुआ वो रिमूव हो जाएगा। नीड पड़ी तब रिक्रिस्टलाइजेशन करना, अदरवाइज यहां पर आपका प्योर प्रोडक्ट आ जाएगा वॉशिंग के फौरन बाद ही। और वॉश करने के बाद रिक्रिस्टलाइजेशन अगर आपको नहीं करना है तब आप इसको ड्राई करेंगे, ड्राई एट रूम टेम्परेचर, ठीक है? और ड्राई होने के बाद लास्ट आपका हो जाएगा रिपोर्ट दी यील्ड एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? तो यहां पर जाने के बाद आपका प्रैक्टिकल एंड हो जाएगा। अब इसके स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट जो भी है वो चेक करना रहेगा आपको, बट स्टैंडर्ड बाद में चेक करेंगे, पहले हम कर लेंगे कितना अपना आया है। तो अपनी जो भी रेंज आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है 122-124 डिग्री सी, तो नियर अबाउट स्टैंडर्ड के पास आ जाता है। तो अगर ये आता है तो अपना क्या रहेगा? प्रोडक्ट प्योर है और हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल सही बना है। और डायबेंजल एसीटोन एज एन एंटी कैंसर यूज होता है, ठीक है? मार्केट में इसकी प्राइस नियर अबाउट 70,000 रुपीज पर केजी है, 70,000 रुपीज पर केजी, और ये बन बहुत आसानी से जाता है डायबेंजल एसीटोन। अब अगर आपको इसमें कोई चेंज करने हैं, जैसे डायबेंजल एसीटोन में मुझे इस पोजीशन पे चाहिए CH3, ठीक है? तो मैं बेंजल डिहाइड कौन सा यूज करूंगा जिसकी इस पोजीशन पे क्या हो? CH3, ठीक है? अगर मैंने 2 मोल में यूज किया तो एक CH3 यहां मिलेगा, दूसरा CH3 इस पोजीशन पे मिलेगा, ठीक है? और अगर मुझे क्या करना है, दोनों पे अलग अलग सब्स्टिट्यूशन चाहिए, तो मैं यहां पर 50% कौन सा बनाऊंगा? एक CH3 वाला, और 50% दूसरा, जैसे मुझे C2H5 चाहिए
मुझे NO2 चाहिए, मुझे Cl चाहिए, मुझे Br चाहिए, तो आप उस प्रकार से क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। डन, रिएक्शन समझी, प्रोसीजर समझा, रब कर दूं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके कैलकुलेशंस पे। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है जब 2S2 की रिएक्शन जब होती है उसके अंदर। 2S2 की जब रिएक्शन होगी तो उसमें कैलकुलेशन का सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हमको लेना कितना है। जैसे हमने यहां पर 2.5 ml लिया हुआ है तो आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। अब यहां पर आप लेंगे 2 × मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो जो भी मॉलिक्यूलर वेट आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका प्रोडक्ट सही आएगा। इज इक्विवेलेंट टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या है, डाई बेंजल एसीटोन, ठीक है। तो यहां पर आपको इस हिसाब से कैलकुलेशन करना होगा। तो जो भी आपका यहां पर ग्राम आ जाएगा, लास्ट में ग्राम आएगा, बट आपका जैसे फॉर एग्जांपल इसका 106 है बेंजल्डिहाइड, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डबल क्वांटिटी हो जाएगी, उस डबल क्वांटिटी में फिर एक्स ग्राम के कैलकुलेशन होने वाले अपने बेंजल्डिहाइड के, डायबेंजिलिन एसीटोन और डायबेंजल एसीटोन, समझ गया। बस केयरफुली, इस रिएक्शन के कैलकुलेशन के लिए आपकी रिएक्शन होने वाली है 2S2 की। कौन सी रिएक्शन है, 2S2 आपका प्रोडक्ट 1 आने वाला है और रिएक्टेंट आपका 2 यूज होने वाला है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट बेंजल्डिहाइड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट डायबेंजिलिन एसीटोन या डायबेंजल एसीटोन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कार्बन यहां पर हो जाएंगे C7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, O एंड H आपके हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, ठीक है। तो 7 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन इधर आ जाते हैं। इधर कितने कार्बन हो जाएंगे अपने, 6 यहां पर है, 7, 8, 9, 10, 11, 11 और 6, 17 कार्बन, C17, एच कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर 1, 6, 7, 8, 9, 9 और 5, 14, H14, ऑक्सीजन 1 ही है, ठीक है। पर ध्यान से, रिएक्शन अपनी कौन सी है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 2S2 है, प्रोडक्ट आपका 1 आने वाला है, यहां पर आपके 2 रहेंगे। अब हमको स्पेसिफिक याद होना चाहिए कितना इनका एटॉमिक वेट है एक एक एटम का। जैसे कार्बन 12.011 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 प्लस 1.008 मल्टीप्लाई बाय 6। उसी प्रकार से अपना यहां पर भी चेंज होगा, 12.011 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 1.008 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 16, या 15.99 है, हम 16 ले लेते हैं ऑक्सीजन का। डन, तो अभी आपका पहला कितना होगा, 12.011 इंटू 7 इज इक्वल टू 84.77 प्लस 16 प्लस यहां पर 6 पॉइंट कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, 6.048, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर कितना होगा, 12 इंटू 17 204.187 प्लस यहां पर 14 पॉइंट कितना होगा, 14.112 प्लस 16। नाउ समीशन कर लो सबका, समीशन करो, 106.125 इज इक्विवेलेंट टू कितना है, यहां पर 244 कुछ होगा, देखो 16 और 14 40 4 244 234 कैसे हो रहा है,
हाँ 234.299, ठीक है। पर स्पेशल केस यहां पर कितना हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ अभी, 212, 225 इज इक्विवेलेंट टू 234.299। अब यहां पर आएगा आपका एक्स क्वांटिटी, हमने यहां पर कितना लिया है 2.5 ml, मतलब होगा 2.6 ग्राम हमने यहां लिया है, और यहां पर हमारी क्वांटिटी कितनी आएगी हमको नहीं पता, इज इक्वल टू एक्स। अब यहां पर होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने से क्या होगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.6 मल्टीप्लाई बाई 234.299 डिवाइडेड बाय 2.25। पहले ऊपर का मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया, यहां से मल्टीप्लाई करो 2.6 मल्टीप्लाई बाय 234 कितना है, 600.1774 डिवाइडेड बाय 212.25 इज इक्वल टू कितना आया फाइनल, 2.87। तो आपकी थ्योरेटिकल यील्ड आ गई, थ्योरेटिकल यील्ड इज इक्वल टू 2.87। इसके बाद आप कैलकुलेट करोगे प्रैक्टिकल यील्ड, जो अभी आपकी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद आएगी, उसके बाद आपको निकालना रहेगा परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन वापस से पूरा समझ लो एक बार, रिपीट, ठीक है। क्या रहेगा, स्टार्ट करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ बेंजल डिहाइड, बिकॉज रिएक्शन 2H2O1 की है, इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ डायबेंजल एसीटोन या डायबेंजिलिडीन एसीटोन, दोनों नाम उसके आते हैं, ठीक है। तभी आपका क्या होगा, मॉलिकुलर वेट कितना है, C7OH6 या C7H6O, ये भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, बट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका मॉलिकुलर वेट है हमारा 106.125, मल्टीप्लाई कर दिया हो जाएगा 212.25, ये हमने कितना ग्राम लिया हुआ, 2.6 ग्राम। सेम यहां पर हमारा कैलकुलेशन होगा किसका, मॉलिकुलर वेट ऑफ डायबेंजिलिडीन एसीटोन, तो उसके लिए हमको पहले मॉलिकुलर फार्मूला निकालना है, मॉलिकुलर फार्मूला आने के बाद पूरे कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके इसका वेट आ जाएगा 234.299, ठीक है। अब यह कितना आने वाला है हमको नहीं पता, तो यह हो गया एक्स, ठीक है। एक्स ग्राम के कैलकुलेशन के लिए एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2.6 मल्टीप्लाई बाय 234.299 डिवाइडेड बाय 212.25। ये कैलकुलेशन करने के बाद आपकी थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी 2.87। अगर हमने कितना लिया हुआ है 2.6 ग्राम, तो हमारी यील्ड कितनी आएगी 2.87। ये आने के बाद आपकी प्रैक्टिकल यील्ड परफॉर्म करके आएगी, परसेंटेज यील्ड का कैलकुलेशन निकलेगा, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, जिससे आपका कैलकुलेट हो जाएगा परसेंटेज यील्ड का। डन, आप प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। बनाने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इथेनॉल, एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लेना रहेगा 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने ले लिया है हमारे RBF में, ये पूरी रिएक्शन RBF में होने वाली है, तो आप RBF में क्या ले लेंगे, 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड, 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपको ऐड करना रहेगा 20 ml इथेनॉल, वो हम ऐड कर देते हैं 20 ml इथेनॉल, और ये ऐड करने के बाद आपको इसको अच्छे से क्या कर लेना है, मिक्स कर लेना, ठीक है। मिक्स होने के बाद आपको सॉल्यूशन बनाना होगा किसका, बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन का, तो बेंजल्डिहाइड हम लेने वाले हैं 2.5 ml और एसीटोन हम लेने वाले हैं 0.9 ml, और ये हम लेंगे स्मॉल बीकर में, ठीक है। तो ध्यान से आपको रोक दे, पहले आप ले लेंगे बेंजल्डिहाइड 2.5 ml,
पिपेट यूज करने का यही सही मेथड है, दूसरे मेथड कोई भी करता है तो उसको बोलना कि सही मेथड यही है। आप इसमें ले लेंगे 2.5 ml बेंजल्डिहाइड और इसमें हम ले लेंगे एसीटोन 0.9 ml। हम इसमें ऐड कर देंगे 0.9 ml एसीटोन। अब ये आपका बन गया मिक्सचर वन एंड मिक्सचर टू। तो ध्यान से आपको ऐड करना है, किसको ऐड करना है, बेंजल्डिहाइड एसीटोन का मिक्सचर आपको ऐड करना रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड इथेनॉल मिक्सचर में विथ कंटिन्यूअस स्टरिंग। तो आप एक दो ड्रॉप इसमें ऐड करें और कंटिन्यू क्या करते रहें, स्टरिंग। तो स्टरिंग की वजह हम शेकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे कितना ऐड करना है, 50%। तो नियर अबाउट 50% ऐड हो गया और 50% ऐड होने के बाद आपको क्या करना है, इसको स्टरिंग करनी है। कितने मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आपको क्या करना है, इसको कंटिन्यूअसली शेकिंग करती रहनी है। रूम टेम्परेचर पे या फिर आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 to 25। ठीक है, 2 या 3 मिनट में आपका ये कोलोइडल सोल्यूशन दिखेगा। देखो ये हल्का येलोइश जो कोलोइडल सोल्यूशन दिख रहा है, ये देखो, तो ये हल्का कोलोइडल सोल्यूशन 2 या 3 मिनट में आ जाता है और उसके बाद आप इसको कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, 15 मिनट के लिए शेक करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली 15 मिनट में शेक करने के बाद आपका जो भी सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन में आपको क्या करना रहेगा, रिमेनिंग बेंजल्डिहाइड एसीटोन का मिक्सचर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, रोक दे। 15 मिनट होने के बाद आपका सॉल्यूशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ये फल्फी सॉल्यूशन है आपका ना, कंप्लीट फल्फी, अभी क्रिस्टल्स नहीं आए, ये अभी 50% रिएक्शन कंप्लीट हुई है। इसमें हम डाल देंगे रिमेनिंग हमारा सॉल्यूशन। अगेन आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करके कंप्लीट मिक्सिंग करनी रहेगी। और आफ्टर कंप्लीट ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन इसे आपको 30 मिनट के लिए वापस से क्या करना है, शेकिंग या स्टरिंग करनी रहेगी। तो कंप्लीट एडिशन होने के बाद आपको अगेन 30 मिनट्स के लिए स्टरिंग पे लगा देना। आफ्टर 30 मिनट शेकिंग आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा, येलोइश डाइबेंजलिडीन एसीटोन। ये होने के बाद आपको इसको सीधा क्या कर देना है, फिल्ट्रेशन कर देना है। और फिल्ट्रेशन के लिए आप यूज करेंगे डबल फिल्टर पेपर। और इस चीज आपको जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाए उसमें आप कोल्ड वाटर ऐड करके इसको कंप्लीटली वॉश करेंगे। ठीक है, आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसे आएगा। और ये होने के बाद आपका प्रोडक्ट जब ड्राई होगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, आपका ड्राइड प्रोडक्ट हो गया, डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको केमिस्ट्री रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरीके की कोई भी इश्यूज या प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की नीड है तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में या आप हमें पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ के डाउट्स हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर हैं, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह पर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे आने वाले सभी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें।